आपने सैमसंग का फोन सुना होगा, सैमसंग का टीवी सुना होगा, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर देखा होगा, उसके साथ सैमसंग के जो अदर अप्लायंसेस वो भी देखा होगा, बट आपने सैमसंग का डेबिट कार्ड देखा है? तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सैमसंग के डेबिट कार्ड के बारे में, कैसे पा सकते हैं, क्या मिलेगा इसका फीचर और इसको आप कैसे अवेल भी कर सकते हो। तो वीडियो को आगे देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोरीन, आप देखिए शोरीन मित्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है सैमसंग का डेबिट कार्ड, ये आपको कैसे मिलेगा? देखिए, आपको तो पता होगा सैमसंग का एक खुद का पेमेंट एप्लीकेशन है जिसका नाम है सैमसंग पे। सैमसंग के फ़ोन में ये इनबिल्ट मिल जाता है, और आप अगर अलग से आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पर भी ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, उधर से आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और सैमसंग पे का जो यूज़र बेस है वो इसी साल 100 मिलियन क्रॉस करने वाला है, और सैमसंग भी सोचा है कि इसी साल आपको एक नया फीचर भी दिया जाए जिसका नाम है सैमसंग डेबिट कार्ड। सैमसंग के डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड सभी टाइप्स के मिल जाएंगे आपको। उसके साथ आपको मिलेगा एक वर्चुअल डेबिट कार्ड, जैसे आपको पता है पेटीएम का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है जहाँ से आप अपना ऑनलाइन ली भी, उधर से आप बिना फिजिकल कार्ड के भी आप उस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। एयरटेल का पेटीएम का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है जहाँ से आप उस कार्ड नंबर CVV और एक्सपायरी डेट को यूज़ करके आप कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो। और आप अगर एक्स्ट्रा पैसा भी आप पेमेंट करते हो पेटीएम को, तो पेटीएम आपको एक फिजिकल डेबिट कार्ड दे देता है जिसको आप ATM से भी स्वाइप कर सकते हो। सेम करने वाला है सैमसंग, सैमसंग अपने सैमसंग पे एप्लीकेशन पे आपको देने वाला है सैमसंग का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड। और फिजिकल डेबिट कार्ड के बारे में तो अभी तक कुछ बताया नहीं है, बट ये अगर वर्चुअल दे रहा है तो फिजिकल भी लॉन्च कर ज़रूर करेगा, क्योंकि फिजिकल पे भी और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा यूज़र्स को। ठीक है, तो अभी तक यही न्यूज़ है, और लॉन्च डेट तो अभी तक एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं बताया, बट 2020 पे ही लॉन्च करने वाला है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पसंद करते हैं या फिजिकल डेबिट कार्ड से। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके रखिए, तो हमारे चैनल के टिक अपडेट सबसे पहले आपके पास मिल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।